आई एम सॉरी, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि कत्ल के कितने मुलजमान हैं जिनका नाम आज तक ईसीएल में डाला गया है या उन्हें रोका गया? यानी पाकिस्तान में कत्ल करना भी कोई बड़ा गुनाह नहीं है, और माशी कत्ल करना भी नहीं है, और एक इंसान का कत्ल करना भी गुनाह नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वसाइल को हड़प करके लोगों को एड़ियां घुटने रगड़ते मरने देना, ये भी कोई जुर्म नहीं है। यानी एक बुराई बड़ी है और एक छोटी है, तो वो एक बड़ी बुराई के मुकाबले में छोटी बुराई की मिसाल आप नहीं दे सकते। जहां तक ईसीएल का ताल्लुक है, तो हुकूमत अपनी पॉलिसी वाजे करे और सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर दे, वो उनको कई चीज को रिव्यू करें। लेकिन ये तो कोई बात ना हुई कि आप इस तरह एक जो रकासा और मुजरम खातून है उसको आप इस तरह ऐसे बयान दे रहे हैं, लगता है कि शायद कानून उसको डिफेंड कर रहा है। ये तासुर कभी भी नहीं जाना चाहिए था, और ये जजमेंट देने की जरूरत भी नहीं होती। आपका काम फैसले देना है, आप लुकमेबाजियां ना किया करें। आप जो चीज सुन के सारी चीजें गूंगे बहरे हो जाए, आप अंधा तो कानून है ही है, गूंगा और बहरा भी हो जाए, थोड़ा सा गूंगा हो जाए, कम से कम बहरा ना हो, गूंगा हो जाए, सुनते रहे और लिखते रहे। लेकिन ये तासुर कभी भी नहीं जाना चाहिए कि शायद किसी अंदाज से जो है कानून जुर्म की परवरिश कर रहा है, ये जुर्म को बचा रहा है। एक जुर्म छोटा हो या बड़ा, वो जुर्म है। अगर नहीं रुक रहा तो कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है।